हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइट कमल किशोर सैनी एंड दिस वीडियो रिगार्डिंग द CUET 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, मेरे पास बहुत सारी क्वारी जा रही है स्टूडेंट्स की कि भैया जो है CUET दिस इज एन गवर्नमेंट टाइप एंट्रेंस एग्जाम एंड दिस इज कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। सो जो है कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का क्या सीन है, क्या ये कॉलेजेस बहुत अच्छे कॉलेज हैं, क्या ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लेवल के कॉलेज हैं, क्या ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेवल के कॉलेज हैं, जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होता है और ये प्राइवेट कॉलेजों ने जो है CUET के थ्रू एडमिशन लेना कैसे स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज पिछले कुछ सालों की अगर अपन बातें करें तो पिछले कुछ सालों में जो CUET टेस्ट होता था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसके अंदर जनरली क्या होता था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती थी, देन कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज भी पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। इस बार क्या हो रहा है, इस बार कुछ प्राइवेट कॉलेज भी और कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो कैसे ये कॉलेजेज हैं इसके बारे में कुछ बताइए, क्या ये बहुत अच्छे कॉलेजेज हैं या फिर इनका क्या सीन है, क्या इनमें प्लेसमेंट होता है, तो आज इसके बारे में हम कंप्लीट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। सो गाइस यार, जनरली सारा क्वेश्चन ये है कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनका सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है एडमिशन के लिए वो होता है एडवर्टाइजमेंट, यानी कि उनको एडवर्टाइजमेंट करना होता है। जस्ट लाइक किसी यूट्यूबर को वीडियो प्रमोशन कराना हो या फिर बहुत जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है जैसे शिक्षा.com है, कॉलेज दुनिया है, न्यूज़पेपर्स है, टीवी चैनल्स है, वहाँ पे अपने एड डलवाने पड़ते हैं। देन जो है थर्ड ऑप्शन जो है लोग यूज करते हैं, दिस इज एन गूगल एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पे जो है अपनी कॉलेज का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो भी बच्चे कॉलेज के बारे में सर्च करते हैं सबसे पहले उसी कॉलेज का आपको वेबसाइट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है ये सारा का सारा एडमिशन सीन चलता है। और कुछ केसेस के अंदर ये लोग जो है काउंसलर्स को भी जस्ट लाइक देते रहते हैं कि भैया हमारे यहाँ पे एडमिशन कराओ, हम ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब ये प्राइवेट वालों ने CUET के थ्रू टेस्ट लेना क्यों शुरू कर दिया, यार इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इन लोगों को। जस्ट लाइक जो भी प्राइवेट कॉलेजेस थे, जैसे इस बार बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अगर मैं कुछ प्राइवेट कॉलेजों की बात करूँ इसके अंदर जिन कॉलेजों ने पार्टिसिपेट किया है, तो जस्ट जो कॉलेजेस हैं जैसे कि अपेक्स यूनिवर्सिटी है, अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज़ है, बेनेट यूनिवर्सिटी है, बेमल मुंजाल है, ये छत्रपति शिवाजी है, IES है, IIMT है, NIIT है, मेवाड़ यूनिवर्सिटी है, SRM है, ठीक है। तो ये क्या सारा सीन है यार, इन लोगों ने क्यों पार्टिसिपेट किया आखिरकार CUET के थ्रू। यार मैं आपको जनरली बता दूँ कि इन लोगों ने एक्चुअली में ये गेम खेला है यार। CUET के अंदर बच्चे अप्लाई करते हैं लाखों के अंदर, राइट, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे जो जो एडमिशन रेशियो है, एडमिशन रेशियो इज ओनली 4:1 to 1%, ठीक है। 1% भी सिलेक्शन रेशियो नहीं होता, रियलिटी तो ये है, ठीक है। अगर वहाँ पे अगर 2 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, अगर 1 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, सीटें अगर 10,000 हो, राइट। सो ये सारा सीन है। तो प्राइवेट वालों ने क्या किया कि जस्ट अगर हम इसी एग्जाम से एडमिशन लें, देन जो है इसमें CUET में बच्चे अप्लाई तो करेंगे, तो फिर एडवर्टाइजमेंट हमारा डायरेक्टली वहीं पे हो जाएगा, राइट, क्योंकि बच्चे वहाँ पे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं। तो जस्ट CUET पे जो कॉलेज दिख रहा है वो अच्छा ही होगा। जनरली बच्चे क्या सोचेंगे कि अगर ये टेस्ट ले रहे हैं देन ये अच्छा ही कॉलेज होगा, क्योंकि इसी टेस्ट से हम CUET जस्ट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और इसी टेस्ट से हम प्राइवेट में जा रहे हैं, तो क्या ये अच्छा ही टेस्ट होगा। और जिन बच्चों का जनरली जो है स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, वो बच्चे क्या करेंगे, प्राइवेट में एडमिशन ले लेंगे। तो जस्ट इनका जो है एडमिट जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो बहुत कम हो गया, और इनका एटलीस्ट जो है आप मान लो कि फ्री में ही एडवर्टाइजमेंट हो गया, राइट। फ्री में तो नहीं होगा क्योंकि जस्ट NTA वगैरह को पैसे तो देंगे ये लोग, हो सकता है वो इनका काम हो, जो भी है। अब जस्ट अपन कुछ प्राइवेट कॉलेजों की बात कर लेते हैं कि इनका क्या सारा सीन है, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजों की भी, राइट। सो यार इसमें जरूरी नहीं है कि ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियरली कर दूं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि जो CUET के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे अच्छे ही कॉलेज हैं।
हाँ बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं, बहुत बढ़िया कॉलेज है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं दिस इज न्यू कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं होता। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन पे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो एडमिशन सीटें फिल भी नहीं हो पा रही थी या फिर लोकल बच्चे हायर कर रहे थे। राइट, सो इन लोगों के पास अच्छा ऑप्शन आ गया, CUET के अंदर इन लोगों ने अप्लाई कर दिया और जस्ट एडमिशन के जो है इनके मजे हो गए। ठीक है, लेकिन मेरा आपको सिंपली यही कहना है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, बिल्कुल ध्यान से एडमिशन लें, आंखें खोल के एडमिशन लें, यूनिवर्सिटी में विजिट करके देखें, स्पेशली स्टेट यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब व्हाट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी? अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है भैया? यह डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कि जैसे हमारा एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, राइट, सो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर क्या होगा, बहुत सारे कॉलेज, एक तो स्टेट गवर्नमेंट खुद तो है ही, राइट, और उससे भी बहुत सारे कॉलेज एफिलेटेड है, यानी कि जस्ट लाइक एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, मान लो कि जस्ट जो है हंसराज कॉलेज एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है मान लो। अब उसके अंदर ना बहुत सारे कॉलेज है, जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, जैसे दुबई कॉलेज आ गया, जैसे फलाना कॉलेज आ गया, जैसे वाई कॉलेज आ गया, जैसे ए कॉलेज आ गया, तो जैसे वो डिग्री जो देगा ना वो ए कॉलेज के नाम से देगा, लेकिन जो एफिलिएशन होगा वो किससे होगा, हंसराज कॉलेज से, राइट। तो दिस इज एन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज। अब ये डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ही कॉलेज है, जस्ट लाइक मैं आपको बताऊँ कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज के नाम, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर अपन बात करें तो जैसे ये गुरुकुला कांगरी विश्वविद्यालय जो है, या फिर गुजरात विद्यापीठ है, ये गुजरात विद्यापीठ डिसीजन एक ही कॉलेज है ये, ठीक है, मान लो इसके एक दो कैंपस और होंगे, लेकिन ये जो अपना सारा का सारा जो है डिग्री वगैरह या फिर अपने सारे के सारे रूल्स हैं, अपना एग्जाम सेंटर है, वो खुद यही डिसाइड करेगी और इसके बीच में कोई भी नहीं आएगा, राइट, चाहे वो इसका वाइस चांसलर हो, चाहे वो इसके मतलब सारे बच्चे हो, चाहे इसके कैंपस हो, चाहे वो टीचर हो, ये सारा का सारा यही डिसाइड करेगी और इसका किसी से कुछ भी चक्कर नहीं होगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड डीम्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जस्ट जो भी एफिलेटेड कॉलेज होते हैं उनका जो सारा का सारा जो डिसाइडेशन है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज करती है या फिर कोई अदर कॉलेज करती है, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्या होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी में यह होता है कि उसका सारा एडमिशन प्रोसेस, उसका सारा एकेडमिक प्रोसेस, उसका सारा जो भी छुट्टियां होगी, कितनी होगी, कितने टीचर आएंगे, कहाँ से प्लेसमेंट होगा, कहाँ से नहीं होगा, कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, एग्जाम कब करानी है, कितने बच्चों की कहाँ पे एग्जाम सेंटर, एंड अदर मेनी मेनी मेनी, एंड लास्ट एडमिशन से लेके डिग्री तक जो है सारा का सारा सीन वही खुद ही कंप्लीट करेगी, उसको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, वो उसको जो हम बोलते हैं वो कहलाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट। एंड जो अदर कॉलेजेज हैं प्राइवेट एंड अदर, ये क्या होते हैं, ये एफिलेटेड होते हैं किसी बड़े जैसे लाइक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से एफिलेटेड होते हैं वो, यानी कि जो रूल्स होते हैं वो सारे के सारे जो बड़ा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है वो डिसाइड करता है, और जस्ट ये लोग क्या करते हैं, ये उनको फॉलो करते हैं और जस्ट अपनी फैकल्टी के हिसाब से पढ़ाते हैं, एग्जामिनेशन वगैरह सारे के सारे वो जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज डिसाइड करता है प्राइवेट कॉलेजों में, लेकिन डीम्ड यूनिवर्सिटी में सारे के सारे वो खुद ही डिसाइड करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं कि जस्ट पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स को जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है दिस इज एन प्लेसमेंट एंड एडमिशन ब्रांच के अंदर। सर हमारी जो टॉप IITN फैकल्टी NITN फैकल्टी प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम एंड गारंटेड एडमिशन प्रोग्राम, स्पेशली इन जस्ट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या सारा चेंज रहने वाला है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ नॉलेज नहीं है, राइट, सो जस्ट यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड जो वहाँ पे एक नंबर दे रखा है, और जस्ट आप हमारा जो है गारंटेड एडमिशन प्लान ले सकते हैं जिसके अंदर हमारी टीम पूरी 100% ट्राई करती है कि आपको जो आपका ड्रीम कॉलेज दिलाने की कोशिश करें, वरना जो हमारे पास मिशन कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम भी चलता है जिसके अंदर जो है हमारी टीम फुल डेडिकेटेड टीम फुल एकदम एनालिसिस करके चार्ट शीट पढ़ के आपको जो है सबसे बेस्ट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिलाती है एंड प्रोवाइडिंग द गुड प्लेसमेंट एटलीस्ट एवरेज 10 to 15 लाख। ओके, सो यू कैन कॉन्टेक्ट नाउ, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जस्ट द CUET कॉलेज रियलिटी शो भी जस्ट आने वाला है, एंड द फ्यूचर ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल एंड इंजीनियरिंग वाला बोथ ऑफ द चैनल, तो यू कैन वॉच नाउ। थैंक यू सो मच गाइस, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, धन्यवाद।